दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। उस वीडियो का टाइटल है नो मींस मो मींस की फनी वीडियो, ऑल फनी वीडियो कंपाइलेशन। चलो दोस्तों, मिल देते इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो पाकिस्तान इंडिया का संडे को मैच होना है, रिपीट पिछले साल और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। खुशी जीत गए। तो कौन सा तीर मारा और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? भोले भोले खट्टा नहीं खट गई रे राजा जी कटके आज जीत गए। गई रे भोले भोले खट्टा नहीं खट गई इतनी खुशी मुझे आज तक। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग करके पाकिस्तान मैच जीतेगा। पहले ओवर में लगा कि बाबर भाई एक सेकंड के लगा आउट हो गए, मेरा तो बीपी लो हो गया, शुक्र है बच गए। बंदा गया मैच देखे तो दो ओवर तो तबीयत ठीक करने में लग जाते हैं। एक विकेट रह गई है, मैं खुद जाऊंगा। पानी लेके आए यार, इसको पानी दे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बड़े हालात खराब लग रहे हैं, बाबर भी आउट हो गया, रिजवान भी आउट हो गया, मेरी तो तबीयत बड़ी खराब हो गई है। मैंने कहा मुझे ले जाओ किसी एम्बुलेंस के पास ले जाओ, दुआ करें हम जीत जाए, उठाओ यार दुआ करें हम जीत जाए। बीपी मेरा बड़ा लो हो गया। आज भी बड़ा अच्छा आपने परफॉर्म किया, गुड टू सी यू, इंशाल्लाह फिर फाइनल में मुलाकात होगी। दोस्तों, जो एशिया कप चल रहा है उस पर हमने काफ़ी ऐसे मूवमेंट देखे जो काफ़ी फनी है, और दोस्तों काफ़ी जो सीरियस वाले भी मूवमेंट हमने देखे हैं, तो ये इसी का एक पार्ट है दोस्तों। इसमें एक फ़नी मूवमेंट लिया गया है जो कि मूवी ने काफ़ी फनी, मतलब कि एक्टर है मेरे ख्याल से, उन्होंने पहले भी जब इंडिया का वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब कि जो डायलॉग्स बोले थे वो काफ़ी मतलब कि चर्चा में रहे थे। और आज जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, एक जो ये मैच जो इंडिया जीता था और एक मैच जो इंडिया हारा था, तो उनके ऊपर उन्होंने जो अपना रिएक्शन दिया है, जो उनको पब्लिक के आगे उन्होंने जो एक्टिंग करी एक तरह से, जो वो लोगों को काफ़ी पसंद आया, उस पर काफ़ी मीन बन रहा है, और ऐसे ही हमने एक मीन पे रिएक्शन करा है। और वैसे देखा जाए तो जो मोमिन साकिब है, मतलब इन्होंने मतलब दो तीन चार साल पहले इन्होंने जो एक वर्ड बोला था, ओ भाई मुझे मारो, और उससे ये बहुत वायरल हो गए थे, मतलब एक तरह से फेमस हो गए थे। और यही चीज़ जो अभी हमारे एशिया कप चल रहे हैं, मतलब मैच चल रहा है क्रिकेट मैच, और उसमें से ये मतलब अपना बयान देते हैं कुछ, और जो पब्लिक जो ऑडियंस होती है वो पागल होती है इनका जो रिएक्शन और जो बोलते हैं ये। हाँ दोस्तों, और हमारे लगता है किसी सब्सक्राइबर ने, किसी और यूट्यूबर ने इस पे जो उन्होंने एडिटिंग करी है और इसको मतलब कि एक फ़नी वे में बनाने की कोशिश करी है, तो काफ़ी ठीक ठाक करी है, और काफ़ी अच्छा लगा मैं जो इन्होंने पाकिस्तान के जीतने पे खुशी मना रहे हैं। तो होता है दोस्तों, क्योंकि जो अपना देश जीता तो हर अपने देशवासियों को खुशी होती है कि हमारा देश कहीं तो कुछ उन्नति कर रहा है, क्योंकि आपका देश लगता है कि कभी इतना तो तरक्की ना कर पाए, क्योंकि ऐसे आपकी क्राइसिस चल रहे हैं आपके देश में, इतनी विपताएं आ रही है। फिलहाल अभी हमने सुना कि पाकिस्तान में बहुत बाढ़ आई हुई है, लोगों का बहुत बुरा हाल है, तो हमारी वेदनाएँ मतलब कि संभावनाएँ उनके साथ हैं, और हम आई होप सब कुछ वहाँ ठीक हो जाए, और हम अब भगवान से यही दुआ करेंगे अपने भगवान से कि भगवान सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और बात करें इस वीडियो की, मतलब जो मोमिन साकिब है, मतलब जो इस तरह से अपना डायलॉग बोलते किसी इसी मतलब फनी तरीके से, जो दुनिया होती है वो पागल हो जाती है। मतलब जैसे इसमें इन वीडियो में भी दिखाया गया है कि जो एशिया का कप चल रहा था, पहला मैच तो मतलब पाकिस्तान हार गई थी, तो दूसरा मैच था जो मतलब इंडिया हार गई, तो उसमें भी बहुत सारे मीम्स बने, और मतलब जो इनका जो मतलब सुनने का तरीका, मतलब जो बोलने का तरीका, मतलब जो हमारा सुनते हैं, जो मतलब काफ़ी फनी वे लगता है। हाँ दोस्तों, लगता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं एक तरह की, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी लाजवाब होती है, और लोगों को उनको काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि जो इनका बोलने का अंदाज होता है, और सीधा ये मेरे ख्याल से कई फेमस क्रिकेटरों से भी आमने सामने की बात कर चुके हैं, और ऐसे ही रिएक्शन हमने एक वीडियो पे, इसी वीडियो पे करा है जिस पर ये इरफान पठान के साथ कुछ बातें कर रहे हैं, जो उनको जवाब दिया वो भी काफ़ी हंसी मजाक, वहाँ पे फनी मूवमेंट चल रहा है और हम देख रहे हैं उसको। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो की चीज़ें बनाएं। नमस्ते दोस्तों।